आज मैं बेसन और पालक की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और आप इसे रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा पानी बॉयल करेंगे। पानी बॉयल हो जाए फिर इसमें 250 ग्राम के करीब पालक डालेंगे। पालक को 1 से 2 मिनट तक बॉयल कर लेंगे और इसे निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। पालक को ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी के साथ इसमें 5 लहसुन डालेंगे, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट रेडी है तो अब एक बोल में मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल में 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला साइड रखते हैं और अब ये जो पालक का पेस्ट हमने बनाया है उसे एक बोल में निकाल लेंगे। मैंने 2-3 चम्मच पालक का प्यूरे ब्लेंडर में ही छोड़ दिया है, इसे बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। अब इसमें 1/2 कप बेसन ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सेमी थिक बैटर रेडी करना है। बहुत पतला नहीं बनाएंगे, बस इस कंसिस्टेंसी का रखना है हमें इसे। ये मिक्स भी रेडी है तो अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये फ्लैट पैन लिया है, इसी तरह का पैन चाहिए हमें। इसे हल्के से तेल से ग्रीस कर लेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे और फिर 1 लैडल भर के बैटर इसके ऊपर डाल के इसे इस तरह से घुमाते हुए फैला लेंगे, बस उसी तरह से जिस तरह से हम लोग डोसा बनाते हैं। ये ऊपर से अच्छे से पक जाए फिर इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसे पलट के दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है तो इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे बैटर का चीला बना के रेडी कर लेंगे। सारे मिक्स का चीला बना के मैंने रेडी कर लिया है, अब इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, मैंने यहाँ पे 2 लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। प्याज अच्छे से रोस्ट हो गया है तो जो मसाला हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 छोटे साइज का टमाटर डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे जिससे कि सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से पक जाए। टमाटर और मसाले अब बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं तो जो ये थोड़ी सी पालक की प्यूरे हमने साइड रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। अब ये जो पालक का चीला हमने बना के रखा था उसे कट कर लेंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है तो इसमें 1 छोटे चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और जो पालक की कतली हमने बना के रेडी की है वो इसमें ऐड कर देंगे। पालक की कतली इसमें डालने के बाद इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो कतली टूटने लगेगी। बस 2 मिनट तक इसे कुक करना है। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना धनिया पत्ता ऐड करेंगे। और हमारी ये बहुत ही टेस्टी बेसन पालक की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही ज्यादा आसान है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपने कभी ये सब्जी ट्राई नहीं की है तो एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।